जोधपुरेर जीरी हवेली थेके बेरिये आम्रा एखन पुष्करेर दिके। जोधपुर थेके पुष्करेर दूरत्व 188 किलोमीटर, जा जेते समय लागे 5 घंटा मतो। आजमेर थेके पुष्करेर दूरत्व 11 किलोमीटर। जयपुर थेके पुष्करेर दूरत्व 150 किलोमीटर, जा आसते समय लागे 3 घंटा। हिंदूदेर पवित्र लेक होलो पुष्कर लेक बा पुष्कर सरोवर। तीर्थस्थाने सृष्टिर देवता ब्रह्मार मंदिर आछे। कार्तिक पूर्णिमाय पुष्कर फेयारेर समय बहु तीर्थयात्री आसेन पवित्र स्नाने। पद्मपुराणे वर्णित राक्षस बज्रनाभ जखन विभिन्न भावे नाना मानुषके उत्तक्त करछे, ब्रह्मा तखन तार हातेर पद्म छुड़े आघात करे हत्या करेन बज्रनाभके। एई समय पद्मेर पापड़ी छिड़े जेखाने पड़े सेखानेई एई पुष्कर लेक सृष्टि हय। पहला पत्नी है सावित्री माता, जो हिंदुओं का कुल देवी माना जाता है। इनको मुंबई में मोम्मा देवी, कलकत्ता में काली माई, साउथ में सरस्वती माता के नाम से जाना जाता है। तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा कि आप अपनी माता को लेके आओ, मुझे अवनि यज्ञ शुरू करवाना है। शुभ मुहूर्त था 11 से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन का। वेद माता गायत्री दिखी, इसे लेके आए ब्रह्मा जी के साथ अवनि यज्ञ में बिठाए एकादशी के दिन। फिर इस यज्ञ का नाम पड़ा ब्रह्मा गायत्री माँ यज्ञ। जैसे 5 दिन का समय खत्म होने लगा तो उनका पहला पत्नी अपने पुत्र के बताए हुए मुहूर्त पे आया। 5 दिन के बाद सामने चल रहे ब्रह्मा गायत्री माँ यज्ञ अपने पति के पास गायत्री को देख के अपने पति को श्राप दिए, 2 श्राप दिया। पहला श्राप ये दिया कि आपका पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर होगा जो कि पुष्कर में होगा, और कहीं पे आपका कोई मंदिर मूर्ति नहीं होगा। बज्रनाभ के हत्या करार पर पृथ्वीते एसे ब्रह्मा यज्ञ शुरू करें। यज्ञर समय स्त्री सावित्री उपस्थित ना होते पाराय ब्रह्मा गायत्री के विवाह करें एवं यज्ञ समाप्त करें। सावित्री एसे ब्रह्मा के अभिशाप दें, पुष्कर छाड़ा आर कोथाओ पूजित हबेन ना ब्रह्मा, कोनो मंदिरे ब्रह्मा मूर्ति थाकबे ना एवं कोनो सूची काजे ब्रह्मा पूजा पाबेन ना। मने करा हय पूर्वपुरुषरा उत्तर पुरुषेर हात थेके जलपान करते पृथ्वीते नेमे आसें, सेजन्यई पिंडदान करा हय। पुष्कर सरोवरे 7 प्रजन्मेर पिंडदान करा जाय। चतुर्दश शताब्दीते এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। মনে করা হয় ব্রহ্মা স্বয়ং এই মন্দিরের স্থান নির্বাচন করেন। পুষ্কর ফেয়ার বা পুষ্কর কা মেলা। বাংলা কার্তিক মাসে এই মেলা শুরু হয় এবং কার্তিক পূর্ণিমায় শেষ হয়, যা অক্টোবর থেকে নভেম্বর ইংরেজি মাস অনুযায়ী। সারা বছরে যত ভ্রমণ পিপাসু মানুষ পুষ্করে আসেন তার কয়েক গুণ শুধুমাত্র এই মেলার সময়েই আসেন। ক্যামেল রাইডের খরচ সিজন ভেদে 500 থেকে 1000 টাকা জনপ্রতি। ক্যামেল কাটের ভাড়া 4 থেকে 5 জনের জন্য 2000 থেকে 4000 সিজন ভেদ।
পল্লী পর্বতশ্রেণীর রত্নগিরি পাহাড়ে অবস্থিত এই সাবিত্রী মাতা মন্দির পায়ে হেঁটে ও কেবিল কারে দুরকমভাবেই ওঠা যায়। কেবিল কারের খরচ শুধু যাওয়ার জন্য 94 টাকা জনপ্রতি এবং যাওয়া আসা উভয়ের জন্য 139 টাকা জনপ্রতি। মন্দির চত্বর থেকে পুষ্কর শহরের অসাধারণ ভিউ পাওয়া যায়। মন্দিরে ব্রহ্মার দুই পত্নী সাবিত্রী এবং গায়ত্রী উভয়েরই মূর্তি বিদ্যমান। ছিলাম পুষ্করে আর আরটিডিসির হোটেল সরোবরে ছিলাম আমরা। আরটিডিসির অন্যান্য হোটেলের মতোই ভালো ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ আমরা।